लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आशा, आशा माथुर, मेरे साथ जो कुछ हुआ, मैंने जो कुछ किया, मैं चाहती हूँ सबको पता चले, सबको। आज मुझे ना ही किसी की हमदर्दी की ज़रूरत है और ना ही प्यार की। मुझे आज किसी बात का डर नहीं और ना ही किसी की परवाह है। मैं खुश हूँ। हाँ, मैंने इसका खून किया है, मार डाला है इसे, और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। ये सबक है उन लड़कों के लिए जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। अरे क्या बोल दिया टीना, छेड़छाड़ नहीं, जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना। ए लाश, लाश की तरफ पड़ा रहे, नहीं तो सचमुच लाश बना दूंगी। तू बड़े बाप की। और इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा टीना ओब्रॉय का नाम। थैंक यू। अरे स्टॉप इट, तुम्हारा नाम आशा माथुर है, टीना नहीं। नाम में क्या रखा डायरेक्टर? परफॉर्मेंस। मेरी एक्टिंग देख के सबकी आंखों में आंसू आ गए, आप भी तो रो पड़े। वो आंसू इसलिए कि तूने मेरे नाटक का कबाड़ा कर दिया, डायलॉग गलत बोले। लुक मिस्टर डायरेक्टर, जो मैंने कहा वो डायलॉग, और जो मैंने किया वो सीन। तो मुझे काहे को बुलाया? ताकि आप सीख सके। तू बड़े बाप की। टीना, जो नहीं हो रहा था वो हो गया, गजब हो गया। क्यों, अक्कल आ गई तुझे? नॉकआउट डिस्कोटेक के मालिक टॉम ने हमारा नाटक स्पॉन्सर करने से मना कर दिया। और अब हमारा नाटक नहीं होगा। अरे ऐसा नाटक करोगे तो नतीजा यही होगा, बड़े बाप की। टॉम की ये हिम्मत। हाँ, आज उसके क्लब में एक्शन ड्रामा होगा। चार्ज, चार्ज! हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, हम तुमको काबू ले जाएंगे, तुम्हारे साथ बुसकशी खेलेंगे, बकरे के बजाय तुम्हारे साथ खेलेंगे, सारा कबीला खेलेंगे। हम तुमको एक देंगे, तुम तेरी दो। ठीक है टीना, आज तू शेर बन गई, लेकिन टॉम की बात याद रखना, तेरे को भी एक दिन एक सौवा शेर मिलेगा। हाँ। खून लग गया है शेर के मुख को, आदमखोर बन गया है वो। तीन दिन में चार बार हमला कर चुका है शेर, बंसाराम को तो खेत में ही, पता नहीं बेचारा बचेगा या नहीं। बच्चों का तो घर से निकलना बंद हो ही गया था, अब तो मर्दों को भी औरतें खेतों में जाने से रोक रही है। और भैरव भी आ नहीं है, वो होता तो कुछ कर लेता। पिछली बार जब चितिया ने हमला किया तो किस बहादुर से उसने मुकाबला किया था, पता नहीं अब कलेक्टर को मिलके कब वापस आएगा। बेटे, तूने रिपोर्ट तो ठीक लिखवाई है ना? रिपोर्ट तो ठीक ही लिखवाई है बापू, रेंजर को भी बता दिया है, पर कुछ होता नजर नहीं आ रहा। अब तो भगवान ही बचाए,
भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद हिम्मत करते हैं। इस मुसीबत की घड़ी में किसी न किसी को तो हिम्मत करनी होगी। पंजा देखा उसका, सही वक्त पे जाल फेंक दिया वरना मुश्किल हो जाती। हाँ तू बच गया बादल, बहुत खूंखार है ये। कुछ भी कहो, जानवर है बड़ा खूबसूरत। अगर आदमखोर ना होता तो इसे गांव में बांध कर रखता मैं। लो कर लो बात। वो तो किस्मत अच्छी थी इसकी जो बादल के हाथ लगा, अगर मेरे हाथों लगा होता गर्दन तोड़ देता साले की। आप कब आए? शेर की खबर पाते ही चला आया, मगर यहाँ तो तुम लोगों ने मेरे आने से पहले ही खेल खत्म कर दिया। शाबाश शाबाश, चोट वोट तो नहीं आई तुम लोगों को? अभी आई, वो भी आपकी वजह से। बाबा में से रेंजर साहब के पास छोड़ देते हैं, वो उसे चिड़ियाघर पहुंचा देंगे। वो काम हम कर लेंगे बेटा, तो शहर जाने की तैयारी कर। शहर? आगे पढ़ने के लिए शहर के कॉलेज में तेरा दाखिला हो गया बेटा,
अब ये मस्ती हस्ती छोड़, अपने बाबा का सपना पूरा कर और पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनकर दिखा मुझे। बाबा याद है 10 साल पहले डमरू गया था इस गांव से, जो अभी तक नहीं लौटा। अरे वो कभी कभार लिपस्टिक और पाउडर भेजता है गांव के लड़कियों के लिए, लुच्चा कहीं का। अपना बादल ऐसा नहीं है, देखना अपने गांव का नाम खूब रोशन करेगा वो। अरे आप लोग ये क्यों नहीं समझते हो कि अपने ही गांव का कोई बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर या कलेक्टर बनकर यहाँ आ जाए तो कितना फायदा होगा हमें। तो है। सुना ये बात हुई ना, अरे कुएं की मेढक की तरह मत सोचो तुम लोग, कुछ नया सोचो। अरे अपना बादल जो शहर जाएगा, जब गांव में आएगा तो कुछ नई चीज लेकर आएगा। सोच लो कहीं नई मुसीबत ना ले आए, हमें तो गांव की चिंता है, हमारे गांव का नाम खराब नहीं होना चाहिए। जैसे अपने गांव का नाम रोज अखबार में छपता है। जरा शुभ-शुभ बोलो काकू, शुभ-शुभ बोलो। देखो भाई दिल में आया बोल। देखिए एक बात समझ लीजिए, यदि बादल की वजह से इस गांव पर कोई आंच आती है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ बादल होगा। क्या सोच रहे थे? बाबा जाना जरूरी है क्या? कमाल की बात करते हो बेटे तुम भी, अरे जाने की पूरी तैयारियां हो चुकी है और पूछते हो बाबा जाना जरूरी है? नहीं मैं सोच रहा था कि मैं अकेला पड़ जाऊंगा। अकेला तो मैं तब हुआ था बेटे जब तेरी माँ मरी थी और तू इतना सा था, अगर तेरे प्यार ने मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया, तेरे जाने से आज एक बार फिर मैं अकेला तो हो ही जाऊंगा। अगर आज मुझे तुम्हारी खुशी की चिंता है बेटे। बाबा खुश तो हूँ मैं, सब कुछ तो है मेरे पास, आप हैं, आपका प्यार है, यार दोस्त, ये पहाड़, ये वादियाँ, और क्या चाहिए मुझे बाबा? कुएं के मेंढक की तरह बातें मत करो बेटे, दुनिया बहुत बड़ी है। जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ तुम्हें अच्छाई और बुराई बताने वाला कोई बुजुर्ग नहीं होगा। मेरी 3 बातें याद रखना बेटे, सच्चाई से कभी मुंह मोड़ना नहीं, जुल्म के आगे कभी झुकना नहीं, दिल की पहली आवाज सुना, क्योंकि पहली आवाज परमात्मा की होती है, बाद में शैतान बोलता है। बहुत पुरानी कहावत है हमारे पहाड़ों की।